ख्वाब चाहे देश में देखे जाएं या परदेश में, लेकिन जो अपने लक्ष्य को पा लेता है वही वीर कहलाता है। गुड मॉर्निंग लक्ष्य भाई। हाउ आर यू? गुड गुड। सुबह में आई वेक अप एट व्हाट, 4:30-5 बजे में उठ जाता हूँ। उठता हूँ, तैयार होता हूँ, आई ईट माय मील्स और फिर मैं जिम जाता हूँ सीधा। जिम जाते समय मैं कुछ म्यूजिक सुनता हूँ टू जस्ट लाइक मोटिवेट मी इन द मॉर्निंग एंड टू वेक मी अप, विच समथिंग लाइक EDM। मुझे EDM सुनना बहुत पसंद है, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक। जैसे कि आप देख ही सकते हैं अभी थोड़ा बहुत मैं फिर भी सूख गया हूँ, बट काफ़ी पसीना बहाया है मैंने। सुबह 1 घंटा 1.5 घंटा मेरा वर्कआउट रहता है जहाँ मैं लगभग कुछ 600 से 700 कैलोरीज बर्न करता हूँ। अगर मैं फिट ना रहूँगा, अगर मैं अच्छा नहीं दिखूँगा तो इट वुड नॉट मेक सेंस टू मी। मुझे लगता है कि एक एक्टर को हमेशा फिट रहना चाहिए, हमेशा अपीलिंग लगना चाहिए। दैट्स व्हाई आई कीप माय सेल्फ सो फिट। Sit. Good girl. Handshake. Good girl. Other hand. No other hand. High ten. Good girl. Sit. Calm down. No. Sit. Stay. मैं घर आता हूँ तो मुझे कोई मेरे लिए कोई वेट कर रहा होता है, कोई राह देख रहा होता है मेरी कि हाँ अभी घर में आऊँगा और उसको खाना खिलाऊँगा। आई विल फीड हर। सो जो भी है काफ़ी स्पेशल है मेरे लिए ये, एंड शी इज़ माय बेबी, शी इज़ माय जान। क्या बोलूँ मैं इसके बारे में। दिस इज़ माई फेवरेट कॉर्नर। ये मेरा सबसे फेवरेट कॉर्नर है घर का। माई टेलीविजन, माई होम थिएटर, माई PS3 एंड ये टेबल। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे थोड़ी ऑड लगती है, बट ये मेरे डैड का गिफ्ट है इसलिए मैं इसको निकाल नहीं सकता। डैड, इफ यू आर वॉचिंग दिस, प्लीज डोंट माइंड। पेंटिंग के बारे में, दिस पेंटिंग इज ये मेरी मॉम की फेवरेट पेंटिंग है। शी लाइक्स इट वेरी मच, माई मदर। शी बिलीव्स के ये प्रॉस्पैरिटी और वेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि एज यू कैन सी एक देयर इज वन लेडी सिटिंग विद बैंगल्स ऑन इट, दैट टू गोल्ड, जो आप जानते हैं आजकल कितना महंगा हो चुका है। शी इज माई मदर, the beautiful lady, she's my mother, the reason behind my existence. As you can see, Ganesh ji ke beech pe maine apni mom ki photo lagayi hai. This is my room, where I usually spend my sleeping hours, which is unsaid. And my wardrobe, this is the view, everything is there. And my bean bag, my special bean bag, jahan pe like कुछ ना हो करने को, लाइफ से थका रहा इंसान जब आता तो यहाँ बैठ जाता है फोन लेकर अपना, टेक्स्टिंग, एवरीथिंग हैपेंस देयर। अगेन आई वुड से वाइट्स, ब्लैक्स, मोर ब्लैक्स, सम थोड़े बहुत डिफरेंट कलर्स। हाँ, आई एम अ शू लवर, मुझे शूज काफी पसंद है। टी शर्ट्स ही मेरी फेवरेट है, एज यू कैन सी राइट नाउ दिस इज समथिंग व्हाट आई एम वेयरिंग, एंड दीज आर माई शर्ट्स, माई फॉर्मल इनफॉर्मल वेयर।
Now I'll be having my breakfast. Protein along with omelette and my carbs. So ab time hai nikalne ka shoot ke liye. We are already 5 minutes late aur mujhe late jana pasand nahi, so we have to leave now. Bye baby. Bye. Bye, see ya. शुरू से क्या आपका यही लक्ष्य था कि मतलब आपको बस एक्टर ही बनना है? ऑनेस्टली नहीं, एक्टर मैं कभी बनना नहीं चाहता था, कभी सोचा नहीं था कि मैं एक एक्टर बनूंगा बड़ा होकर. व्हेन आई वाज इन स्कूल लाइफ मेरा हमेशा से ड्रीम था दैट आई विल जॉइन इंडियन आर्मी. मैंने इनफैक्ट एग्जाम्स भी दिए थे NDA के एंड आई गॉट थ्रू एज वेल. और एक दिन ऐसा है मेरी लाइफ में जब मेरे पास चॉइस थी दैट ईदर आर्मी और वॉरियर है जो मेरा पहला शो था. सेट पे पहुंच चुके हैं, सेट नहीं कहूंगा मैं मेरा घर है ये, मैं अपने घर पहुंच चुका हूं, माय सेकंड होम. यस, अब लक्ष्य बन चुके हैं वीर मेहरा, ऑल सेट टू गो. This is my first scene as a solo scene with him, so I think it's not difficult, and he's a great co-actor to be with. Actually, it makes, you know, when you're comfortable, I think it makes things even better. And to do such scenes is difficult because आपको वो comfort zone चाहिए था. Actually, he gave it, and thank you so much. Yeah. सो गाइस, ऐसे बताया मैंने अपना आज का दिन. एज यू कैन सी ये मेरा सेट है जहाँ मैंने आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन शूट किया है बिटवीन वीर एंड संजना का. एक बहुत ही अच्छा सीन था आज. आई होप यू गाइस एंजॉयड हाउ आई स्टे एंड हाउ माय लाइफ इज. टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू आउट देयर.